बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बाद अब ईडी के रडार पर ममता के मंत्री हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार 5 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रथीन घोष के घर छापेमारी की है। ये छापेमारी मध्यम ग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में ईडी की ये छापेमारी ऐसे समय पर हो रही है जब गुरुवार सुबह से ही डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के यहां भी आयकर विभाग वाले छापे मार रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। ऐसे में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के ऊपर टैक्स चोरी का आरोप है, जिसे लेकर ही उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। वहीं ईडी ने बुधवार 5 अक्टूबर को ही दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडी के अधिकारियों ने बुधवार सुबह संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी की। इसके बाद दिन भर पूछताछ चली और फिर उन्हें शाम होते होते गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अब ईडी बंगाल सरकार में मंत्री रथीन घोष के घर और दफ्तर पर छापेमारी कर रही है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक राजधानी कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना जिले समेत 12 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री के यहां ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए की जा रही है। हालांकि अभी तक टीएमसी या रथीन घोष की तरफ से इस छापेमारी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि ममता सरकार में खाद्य मंत्री रथीन घोष मध्यम ग्राम नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में भर्ती करवाया है और इसके लिए उन्हें रिश्वत दी गई है। यही वजह है कि ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है कि घोष और उनके सहयोगियों ने नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से रिश्वत ली है या नहीं। फिलहाल तलाशी जारी है और अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी से पहले 80 से 90 अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद अधिकारियों ने सुबह 6 बजे से मंत्री के घर पर छापेमारी की शुरुआत की। कुल मिलाकर 13 जगहों पर छापेमारी चल रही है। हर लोकेशन पर 7 से 8 अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। यहां सीआरपीएफ जवानों को ईडी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।